नमस्कार दोस्तों, महेश भदंसरी और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव 100 न्यूज। यूपी लाइव 100 न्यूज में आज सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर बस जो पीलीभीत से बिहारगंज जा रही थी उसका सुबह आज सवेरे 5 बजे के आसपास एक्सीडेंट हो गया। उसमें 56 से लेकर 60 लोग सवार थे, उसको हॉस्पिटल लाया गया। उसमें से 23 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, बाकी लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। उसमें 6-7 लोग आइसोलेशन वार्ड में है, उनके प्रॉपर चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई। अनियंत्रित होकर खाई में पलटी बस, एक की मौत, कई घायल। आज दिनांक 21/11/2019 को समय लगभग 6 बजे सुबह थाना अनपारा व मोतीपुर बॉर्डर पर स्थित ग्राम लक्ष्मणपुर मटेही के पास पीलीभीत से लखीमपुर के रास्ते नेपाल जा रहे थे। बस नंबर UP 81 EEF 8764 अचानक से पलट गई, जिससे उसमें सवार 56 लोग घायल हो गए। इसी मौके पर सूचना पाकर डायल 112 स्थानीय पुलिस के अलावा एम्बुलेंस द्वारा सभी को स्वस्थ करिंद ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा एक वीरपाल पुत्र कालीचरण निवासी जहानाबाद पीलीभीत उम्र 40 वर्ष मृत्यु घोषित कर दिया गया। घायलों से 23 विकृतियों को मेडिकल कॉलेज बहरेज क्षेत्र रिफर किया गया, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? श्यामा शरण। कहां रहते हैं आप? महो। ये हादसा कैसे हुआ? ये साहब चलते चलते पता नहीं कैसे करके उसने पलट दी बस। जी कहां पर हादसा हुआ है? कहां पर? नए नए आदमी आए थे। हादसा कहां पर हुआ? जगह पता नहीं, कौन सी जगह आएगा? अच्छा, जगह आपको नहीं पता? लक्ष्मणपुर मटेही के पास। जी ये बताइए लगभग कितने लोग घायल हैं? जो बस में साहब सभी थे, सभी की चोट है। बहरेज सबको रिफर किया जा रहा है। मेरे और 30 से 35 लोग घायल हैं, जो कि मैक्सिमम प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। इसके बाद लोगों को इलाज का उपाय के लिए संदर्भित कर दिया गया। कोई कैजुअल्टी भी है? एक एक्सपायर है जिनको मॉर्चरी में भेज दिया गया है पोस्टमार्टम। ये लोग 4 रिफर। बस जो पीलीभीत से नेपालगंज जा रही थी उसका सुबह आज सवेरे 5 बजे के आसपास एक्सीडेंट हो गया। उसमें 56 से लेकर 60 लोग सवार थे, उसको हॉस्पिटल लाया गया। उसमें से 23 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, बाकी लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। उसमें 6-7 लोग आइसोलेशन वार्ड में है, उनके प्रॉपर चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई। ताज़ातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।